Hi friends, welcome to Botany, the language of plants. And today's आज का जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से है और वो है एमिनो एसिड। बॉटनी में, खास करके प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में, सेल बायोलॉजी चैप्टर में बायोकेमिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो एट फर्स्ट एमिनो एसिड क्या है? हम लोगों को पता है कि प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। सो ये जो तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ लेकर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल एनीथिंग बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एमिनो एसिड लेकर। ये जो प्रोटीन है, बहुत सारा एमिनो एसिड मिलकर ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सो बहुत सारा एमिनो एसिड मिलकर ये प्रोटीन बनता है। नाउ एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक एमिनो एसिड में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कायरल कार्बन, सेकंड होता है एक कार्बोक्साइल ग्रुप, सो ये है कायरल कार्बन, ठीक है, और देन एक कार्बोक्साइल ग्रुप, सो यहाँ पे हो गया एक कार्बोक्साइल ग्रुप। नेक्स्ट जो होता है वो है एमिनो ग्रुप, सो इधर हो गया एमिनो ग्रुप NH3+, ये हो गया एमिनो ग्रुप, ओके। नाउ एक रहता है हाइड्रोजन आयन, सो वो होगा यहाँ पर, ओके, COOH ऊपर, उसके साइड में एमिनो ग्रुप एंड उसके इस साइड में हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ओके। एंड नेक्स्ट जो रहता है वो है साइड चेन, ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय R, ठीक है। तो ये हो गया साइड चेन R। सो ये जो है ये एक एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कायरल कार्बन, दैट इज सी। सो इसको कायरल क्यों बोला जाता है? कायरल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक कार्बन जो होता है वो उसका 4 हैंड्स रहता है, ठीक है, और ईच हैंड्स कंटेन अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। हर एक हाथ जो है वो अलग अलग ग्रुप को कंटेन किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। सो दिस इज कायरल कार्बन, ओके। मगर जैसे कि एक स्ट्रक्चर ग्लाइसिन, सो अगर ग्लाइसिन को देखा जाए, ग्लाइसिन भी एक एमिनो एसिड है, ठीक है। अगर ग्लाइसिन को देखेंगे तो ग्लाइसिन में क्या है, कार्बन तो है ही, कार्बन का 4 हैंड्स है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप भी है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है, और यहाँ पे जो R होता है साइड चेन वो भी क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो कार्बन है वो 2 हैंड में 2 सेम ग्रुप को कंटेन किया है, पकड़ के रखा है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। सो जितना भी एमिनो एसिड है, ठीक है, सब कोई कायरल कार्बन को कंटेन करता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता है। सो ये जो कार्बन है इसे क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। सो ये हो गया
अल्फा कार्बन, ठीक है। ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये हो गया अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया अल्फा एमिनो ग्रुप, ओके लाइक दिस। यहाँ पे काइरल नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा, अल्फा कार्बन, ठीक है। काइरल कब होगा? जब एक कार्बन में फोर अलग अलग ग्रुप रहेगा तब हम इसे बोलेंगे काइरल कार्बन, ओके। नाउ एमिनो एसिड को कभी कभी, कभी कभी नहीं, एमिनो एसिड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर होती है, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर? एम्फोटेरिक मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन जो है प्रोटॉन को दे भी सकता है, ठीक है, या तो फिर प्रोटॉन ले भी सकता है। सो उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। यहाँ पर क्या है, ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड है वो यहाँ पर जो प्रोटॉन है मींस एच प्लस आयन इसको दे भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। सो दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक वर्ड आता है दैट इज ज्यूटर आयन। सो मैं इसे यहाँ पर लिखती हूँ, ओके। ये ज्यूटर आयन क्या है? जब कोई कंपाउंड पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों को ही कंटेन करता है देन दैट इज़ कॉल्ड ज्यूटर आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो नेगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, ठीक है। एमिनो ग्रुप जो है वो पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन, ठीक है। दोनों ही हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन कंटेन तो कर रहा है लेकिन इसमें थोड़ा भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। सो ज्यूटर आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। दे नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रिक चार्ज बट दे कंटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयन्स, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। नाउ दो वर्ड्स आते हैं, एक है लेवोरेटरी, ओके, एमिनो एसिड एंड अनदर इज डेक्स्ट्रोरेटरी एमिनो एसिड। डेक्स्ट्रोरेटरी में क्या होता है, एमिनो एसिड जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। सो अगर ये एक क्लॉक है, ठीक है, तो ये किधर घूमेगा, इधर से इधर टू राइट, ओके। सो दिस इज क्लॉकवाइज कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटरी, ठीक है। सो डेक्स्ट्रोरोटरी में हाइड्रोजन आयन जो है वो रहेगा इस साइड, ठीक है। यहाँ हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हो गया एमिनो ग्रुप और यहाँ पे हो गया आर ग्रुप। सो ये हो गया डेक्स्ट्रोरोटरी। घूम कैसे रहा है, इस टाइप से हो रहा है। पोलराइज्ड लाइट में, जब पोलराइज्ड लाइट दिया जाता है तो क्या हो रहा है, इसका मूवमेंट जो है इस टाइप का होता है, ठीक है, टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट तरफ घूम रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। नाउ लेवोरेटरी, लेवोरेटरी में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो कैसे घूमेगा,
क्लॉक जो है ऐसे घूम रहा है, तो वो कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा, ठीक है, टू लेफ्ट, यहाँ से इधर जा रहा है। इस केस में हाइड्रोजन जो है वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है, आर ग्रुप तो यहाँ ही रहेगा, सी डबल ओ एच इधर रहेगा और एन एस थ्री यहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेबोरेटरी को हम लोग एल से पहचानते हैं, ठीक है, एल एमिनो एसिड और एमिनो एसिड, और डेक्सट्रोरेटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी एमिनो एसिड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड नेक्स्ट वीडियो में एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, जितना सारा एमिनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो शेयर इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।